सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में जिसका नाम है निसान मैगनाइट। इसके टोटल 5 वेरिएंट आते हैं, एक्सई, एक्सएल, एक्सवी, एक्सवी प्रीमियम और एक्सवी प्रीमियम ऑप्शनल। अभी हमारे सामने जो खड़ा हुआ है ये है इसका एक्सवी वेरिएंट। सामने से आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, इसमें आपको जो है 1758 mm की पूरी विड्थ देखने को मिल जाएगी। और सामने की साइड इसमें पूरा ग्रे मेटालिक कलर का इस्तेमाल करा गया है ग्रिल पे। और जो इसका एक्सवी प्रीमियम वेरिएंट आता है उसमें यहाँ पे एक कैमरे की भी जो है प्लेसमेंट करी जाती है, क्योंकि उसमें जो है 360 पारंग कैमरा का भी जो है फीचर आता है। सामने से आप लुक देख सकते हैं गाड़ी का, पूरा क्रोम फिनिश जो है इसमें अच्छे से इस्तेमाल करा गया है और ग्रिल जो है इसकी काफ़ी बड़ी है। हेडलाइट की बात करूँ तो इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाती है जिसमें यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट है और क्रोम की फिनिश पूरी यहाँ से ऐसे आती है। नीचे की साइड आपको जो है DRLs देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। और इसके जो DRLs हैं वो काफ़ी अच्छा जो है रोड प्रेजेंस कार को बना देते हैं, क्योंकि इसमें क्रोम की फिनिश भी पूरी अच्छे से करी गई है। और जो इसका एक्सवी प्रीमियम वेरिएंट आता है उसमें आपको जो है पूरा LED हेडलाइट्स का जो है सेटअप देखने को मिल जाएगा। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है जिसमें डुअल टोन कलर का जो है इस्तेमाल करा गया है। एक तो यहाँ पर नॉर्मल मैट ब्लैक कलर दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर सिल्वर कलर का जो है इस्तेमाल करा गया है। अब चलते हैं भाई गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी क्लैडिंग का अच्छे से इस्तेमाल करा गया है। आगे की साइड यहाँ पर आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा, जो कि टॉप वेरिएंट में भी यही एलॉय व्हील आता है सेम। और MRF के आपको यहाँ पर टायर्स दिए गए हैं। टायर साइज़ की बात करूँ तो 195/60R16 इंच का आपको यहाँ पर एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे से लेके पीछे तक पूरी क्लैडिंग का जो है इस्तेमाल करा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है निसान मैगनाइट की ब्रांडिंग भी करी गई है, जो कि फेंडर लाइन पे ही ऊपर करी गई है। तो ये फेंडर लाइन को जो है काफ़ी मतलब खालिशानी छोड़ती भरा हुआ सा लगता है। और ORVM भी आपको जो है ब्लैक देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट करी गई है। और जो इसका एक्सवी वेरिएंट आता है, एक्सवी प्रीमियम वेरिएंट, उसमें यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट भी करी जाती है, क्योंकि भाई उसमें जो है 360 पारंग कैमरा का जो है फीचर आता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे पूरे डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया, जो कि ड्राइविंग साइड भी है और पैसेंजर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। 2500 mm का आपको जो है पूरी कार का जो है व्हील बेस देखने को मिल जाएगा, 2500 mm का। और सिल्वर फिनिश में आपको जो है ऊपर की साइड यहाँ पे रूफ रेस देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो सिल्वर फिनिश का टच है वो आपको नीचे क्लैडिंग में भी जो है देखने को मिल जाएगा। पर नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे जो है सिल्वर कलर का टच देखने को नहीं मिलेगा, उसमें पूरी ब्लैक जो है वो क्लैडिंग आती है। की बात करूँ तो ऐसी कुछ आपको की देखने को मिल जाती है, जिसमें पीछे की साइड फिजिकल की भी जो है वो दी गई है। आगे से बात करूँ तो इसमें आपको जो है लॉक और अनलॉक के ही बटन देखने को मिलते हैं। फॉलो मी लैम्प जैसे इसमें जो है फीचर्स नहीं आते, साथ ही साथ ORVM भी जो है वो फोल्ड अनफोल्ड नहीं होता। रियर व्हील के ऊपर भी आपको यहाँ पे जो है पूरी अच्छी खासी क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे की साइड आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं और आगे की साइड आपको जो है डिस्क ब्रेक ही मिलते हैं। 50 लीटर तक आप यहाँ पे जो है फ्यूल भरवा सकते हैं, दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। आगे की जो विंडोज़ हैं इनका साइज़ तो काफ़ी अच्छा दिया गया है, पर जो पीछे का क्वार्टर ग्लास है उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा दिया गया है। यहाँ पे ऊपर की साइड एंटीना भी दिया गया है और स्पॉइलर भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड है कार में ही, तो ये कार की लुक जो है वो काफ़ी अच्छा बना देता है। अब चलते हैं भाई कार के पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आपको ईगल बेस्ड डिज़ाइन में जो है टेल लैम्प का पूरा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, पर जो इसका ये इतना पार्ट है सी वाला, बस यही जो है ब्रेक अप्लाई करने पे जो है ऑन होता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, साथ ही साथ रियर पार्किंग लाइट भी हेलोजन ही दी गई है। बेस वेरिएंट से आपको जो है हेलोजन ही पूरा सेटअप मिलता है टेल लैम्प का। यहाँ पे मैग्नेट की पूरी ब्रांडिंग करी गई है और सेंटर में निसान का लोगो। नीचे की अगर बात करें तो टर्बो की ब्रांडिंग यहाँ पे करी गई है, क्योंकि ये भाई टर्बो वेरिएंट है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है, 1, 2, 3 और 4। साथ ही साथ आगे की तरह जो पीछे की स्किड प्लेट है उसमें भी 2 कलर का इस्तेमाल करा गया है, एक तो यहाँ पे सिल्वर कलर है और जो दूसरा है वो मैट ब्लैक यहाँ पे कलर दिया गया है। रियर पार्किंग कैमरे की आपको प्लेसमेंट इस जगह पे देखने को मिल जाएगी और गाड़ी का पूरा लुक चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी शार्प सा जो है गाड़ी का पूरा लुक आता है और आपको वाइपर और डिफॉगर जो है बेस वेरिएंट से ही ऑफर कर दिए जाते हैं। ऊपर की साइड यहाँ पे हाई स्टॉप माउंट लैम्प दिया गया है, जो कि स्पॉयलर पे ही इंटीग्रेटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है एक वॉशर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। तो भाई इसी के साथ जो है अपना बूट का पीछे का लुक जो है वो कंप्लीट होता है। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको जो है ABS, CVD, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट एयरबैग, स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट और साथ ही साथ 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है निसान मैगनाइट को मिली है। पैसेंजर साइड भी आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। 2 इंजन ऑप्शन के साथ ये कार आती है, एक होता है 1 लीटर का ही नॉर्मल पेट्रोल इंजन और एक होता है 1 लीटर का ही टर्बो पेट्रोल इंजन। दोनों ही जो है वो आपको काफ़ी अच्छी जो है पावर ऑफर कर देती है, पर ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वो आपको सिर्फ टर्बो वेरिएंट में ही मिलता है। अभी हमारे सामने जो ये खड़ा है ये इसका टर्बो वेरिएंट ही है, जो कि ऑटोमेटिक है। तो अभी चलते हैं भाई हम सीधा इसकी ड्राइविंग सीट की तरफ। यहाँ पे आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर कर दिया जाता है, पर आपके ORVMs जो है वो फोल्ड अनफोल्ड इसके साथ नहीं होते। तो अभी हम डोर को ओपन करते हैं और अंदर ड्राइविंग डोर की तरफ देखते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो पूरा 90 डिग्री तो ये ओपन नहीं होता, पर अच्छी खासी आपको स्पेस अंदर जाने के लिए मिल जाती है। डोर का लुक कुछ ऐसा आता है, साथ ही साथ यहाँ पे फैब्रिक का पूरा टच दिया गया है। सॉफ्ट टच आपको आर्मरेस्ट में मिलता है, पर बाकी सारा जो है पूरा हार्ड प्लास्टिक है। और नीचे साइड कोई स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे आपको स्पीकर की जो है प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी।
सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पर टच देखने को मिल जाएगा, जो कि कार को जो है काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है। वन टच अप डाउन का ऑप्शन सिर्फ ड्राइविंग साइड दिया गया है, और ये इसके विंडो लॉक और अनलॉक करने के लिए बटन है, ये इसके ORVM को कंट्रोल्स करने के लिए है। अंदर बैठे बैठे ही आप जो है ORVM को इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फैब्रिक का पूरा टच दिया गया जो कि मैंने आपको दिखाई दिया, पर आप इसके ये लॉक और अनलॉक करने के लिए देखिए, ये ओल्ड स्टाइल में ही जो है यहाँ पे दिए गए हैं। अगर इन्हें डोर हैंडल्स पे दे दिया जाता तो काफ़ी अच्छा जो है ये लुक दे देते। और मैं हूँ अभी नोवा निसान गाज़ियाबाद में, तो अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पर जो है एड्रेस और लिंक दोनों जो है डाल दूँगा। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पर सीट देखने को मिल जाएंगी, और अगर सीट्स की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर कंफर्ट प्रोवाइड कर देती है। फैब्रिक की पूरी टच दी गई है, और साथ ही साथ बकेट का पूरा यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है। हाइट एडजस्टेबल आपको आगे के जो है हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। केबिन का लुक पूरा यहाँ से कुछ ऐसा आता है। अभी जो है ड्राइविंग सीट की तरफ भी चलेंगे, पर पहले जो है रियर सीट्स का देख लेते हैं कि आपको रियर सीट्स में कितनी स्पेस देखने को मिल जाएगी। तो सेम आपको यहाँ पर डोर देखने को मिल जाएगा फ्रंट की तरह ही, फैब्रिक का पूरा यहाँ पर टच का इस्तेमाल करा गया है। साथ ही साथ सिल्वर फिनिश पूरी यहाँ पे भी दी गई है, और विंडो कंट्रोल्स आपको जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं। नीचे की साइड कुछ स्टोरेज स्पेस और स्पीकर की प्लेसमेंट। तो अभी चलते हैं भाई रियर सीट्स पे और देखते हैं आपको कितना लेग स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे वाली सीट्स जो है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, और डिसेंट अमाउंट का आपको यहाँ पे जो है लेग स्पेस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, और सेंटर में जो है यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी ऑफर कर दिया जाता है विद 2 कप होल्डर्स, और काफ़ी अच्छा जो है कम्फर्ट दे देता है ये आर्मरेस्ट ओपन होने के बाद। कैबिन का लुक यहाँ से कुछ ऐसा आता है। तो अभी इसे करते हैं बंद, और 60-40 स्प्लिट सीट्स का भी आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है। आप सीट को जो है अपने हिसाब से रिक्लाइन और एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। रियर सीट्स के हेडरेस्ट भी जो है वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और क्वार्टर ग्लास के बारे में जो मैं बता रहा था कि साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा दिया गया है। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको जो है ग्रोसरी हुक भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एक लैंप प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि हेलोजन है। अगर ये कंपनी LED कर देती तो काफ़ी अच्छी बात होती। अभी भाई चलते हैं गाड़ी के बूट की तरफ, क्योंकि भाई अभी तक हमने बूट भी नहीं ओपन करा। तो बूट को ओपन करके देखते हैं कि वहाँ पे आपको कितना स्पेस देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन देखने को मिल जाएगा, जिसे प्रेस करते ही बड़ी ही आसानी से बूट ओपन हो जाता है। तो 336 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जो कि सेगमेंट के मुकाबले काफ़ी सही दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रॉसरी हुक भी जो है वो प्रोवाइड हो जाता है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। लैम्प भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और पार्सल ट्रे जो है वो इसके बेस वेरियंट से ही आपको ऑफर कर दी जाती है। आप चाहें तो इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है हैंग भी कर सकते हैं, पर आप चाहें तो इसे पूरा ही रिमूव भी कर सकते हैं। स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको रिम प्रोवाइड कर दी जाती है, अलॉय जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलता। टायर साइज़ की बात करूँ तो 185/65R15 एक इंच जो है यहाँ पे कम कर दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो कॉस्ट कटिंग करी गई है। 60-40 स्प्लिट सीट्स जो मैं आपको बता रहा था आगे की साइड। तो भाई अभी जो है बूट को करते हैं क्लोज और चलते हैं सीधा ड्राइविंग साइड की तरफ। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और डोर को हम बंद करते हैं। तो केबिन का लुक पूरा यहाँ से कुछ ऐसा आता है। अभी मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेता हूँ, और ऐसा कुछ जो है गाड़ी आपको वेलकम करती है पूरा। स्टेयरिंग की बात करें तो आपको जो है सिर्फ ऊपर नीचे मूव होने वाला मिलता है, आगे पीछे जो है ये मूव नहीं होता। डिजिटल आपको यहाँ पे MID देखने को मिल जाएगी, जिसके सारे कंट्रोल्स आपको स्टेयरिंग पे दिए गए हैं। इस जगह से आप जो है सारे MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इस साइड जो है आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। अभी भाई MID को कंट्रोल करके देखते हैं, तो इसमें आपको जो है अभी बैटरी लो है तो वो उसका इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये स्पीडोमीटर आ गया अभी इसका, नीचे की साइड P लिखा हुआ है जो कि ये पार्किंग मोड में है। ट्रिप ये बता देता है, ये ट्रिप भी बता देता है। ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन आपको ये नहीं देता, पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन तो ये दे ही देता है। इस साइड यहाँ पे आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप इसका जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। और राइट साइड में आपको जो है बीम लेवलर देखने को मिल जाता है। अब बात आती है भाई इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको जो है टच रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा जो है आपको यहाँ पे टच रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। इंस्टेंट जो है ये पूरा रिस्पॉन्स कर देता है। नीचे की साइड आपको कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे डिफॉगर है, और ये हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है, और यहाँ पे इसका जो है सेंटर लॉक दिया गया है, इससे गाड़ी जो है लॉक अनलॉक हो जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे AC देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से मैं इसके ब्लोअर जो है उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा अगर हम इसे इस लेवल से देखें तो ये आपको जो है थोड़ा थोड़ा वेन्यू की तरह लगेगा, वेन्यू की गाड़ी की याद दिलाएगा ये। नीचे की साइड आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है, वायरलेस चार्जर वगैरह जो है इस गाड़ी में नहीं आता। ब्लैक और बेज कलर का यहाँ पे पूरा इंटीरियर का इस्तेमाल करा गया है। ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, जिसके चारों तरफ जो है पूरा क्रोम का अच्छे से इस्तेमाल करा गया, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे भी आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। साथ ही साथ 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, और नीचे की साइड USB पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये इसका जो है ये ऑटोमेटिक गियर नॉब है, और मैनुअल के साथ भी इसका ऑप्शन आता है, पर आपको ऑटोमेटिक गियर नॉब जो है वो सिर्फ मतलब ऑटोमेटिक वेरियंट जो है CVT में वो आपको सिर्फ टर्बो वेरियंट के साथ ही मिलता है। यहाँ पे भी आपको जो है थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगी,
बोतल होल्डर आप भी इसे कह सकते हैं। और ये इसका हैंड ब्रेक है, पीछे की साइड यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है। पर आर्मरेस्ट जो है वो भाई इस गाड़ी में मिसिंग है, जो कि XV प्रीमियम वेरिएंट में ही आता है सिर्फ। और अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा जो है कम्फर्ट आपको प्रोवाइड कर देती है। फैब्रिक की आपको यहाँ पर सीट्स जो हैं वो दी गई हैं। एसी वेंट्स के चारों तरफ भी आपको पूरा सिल्वर फिनिश का जो है टच देखने को मिल जाएगा। ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है एक मिरर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे ब्लूटूथ माइक की प्लेसमेंट करी गई है। और ये इसके हैलोजन बल्ब दिए गए हैं और मैनुअल RVM आपको यहाँ पे जो है वो दिया गया है। XC प्रीमियम वेरिएंट में भी मैनुअली आता है। इस साइड भी एक मिरर की प्लेसमेंट जो है वो करी गई है। अब भाई गाड़ी का ग्लव बॉक्स ओपन करके देख लेते हैं, तो ग्लव बॉक्स में भी आपको जो है अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है एक लैंप भी जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। और भाई इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यह है इसका टर्बो वेरिएंट, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 100 BHP की, साथ ही साथ 160 Nm का जो है टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इस पर्टिकुलर कार की प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको जो है एक्स शोरूम 9,18,000 ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिल जाती है। तो भाई इसी के साथ मैं अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।